नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। अंचल के विद्यार्थियों को जीवन के बेहतर मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए जेके टायर इंडस्ट्रीज द्वारा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्था आगाज इसमें मुख्य भूमिका निर्वहन करेगी। दो दिवस में बामो नूराबाद के 4 शासकीय अशासकीय विद्यालयों प्रेरणास्पद कार्यशाला आयोजित की जाएगी। नूराबाद के शासकीय बालिका हाई स्कूल में इस अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बामौर एसटीओपी श्रीमती दीपाली चंदौरिया ने कहा कि हाई स्कूल की शिक्षा पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट भविष्य की दिशा तय करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, विशेषकर बालिका व उनके परिजन असमंज की स्थिति में रहते हैं। चंबल में क्षमताओं की कमी नहीं है। अंचल की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उच्च स्थान प्राप्त किए हैं। इस कार्यशाला की भूमिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्राध्यापक एवं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांता माथुर ने प्रकाश डाला। वहीं जेके टायर प्रबंधन ने बालिकाओं को विश्वास दिलाया कि देश में उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के करियर की दिशा तय करने का अभियान आरंभ किया गया है। इसमें बेटियों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। मुरैना के शिक्षा विभाग ने कहा कि विद्यार्थियों की भरपूर ऊर्जा को इसी दौरान उत्प्रेरित करना आवश्यक होता है। कार्यशाला में शासकीय कन्या हाई स्कूल नूराबाद की विद्यार्थी उपस्थित थीं। इस अवसर पर जेके टायर बामौर के डीजीएम अमित पचौरी, एसके भार्गव महाप्रबंधक वाणिज्य, विजय सिंह महाप्रबंधक उत्पादन भी उपस्थित थे। मुरैना से खबर हरपल के लिए बंटी चौधरी की खबर। आज जो हमारे यहाँ बामौर इंडस्ट्री एरियल जो है उसमें जो जेके टायर इंडस्ट्री है उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आगाज कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें गांव की जो हमारी बेटियां हैं बेटे हैं उनको जो करियर की काउंसलिंग है उसके बारे में बताया जा रहा है, फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए, कैसे तरक्की के प्रगति के पथ पर आगे अग्रसर होया जाए उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हम लोग उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया और हमारे बच्चों को करियर काउंसलिंग दे रहे हैं। इससे बहुत कुछ बदलाव आएगा। जैसे हमारा जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर बच्चे 10th में रहते हैं, 11th 12th में रहते हैं, पर उनको पता नहीं रहता है कि फ्यूचर में क्या सब्जेक्ट लेना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सा व्यवसाय करना है, किस सर्विस में जाना है। ये जो करियर काउंसलिंग है उससे बच्चों को उनके फ्यूचर के बारे में बताया जाएगा, विषयों के बारे में समझाया जाएगा, एक एक चीज़ की बारीकी से समझाया जाएगा जिससे वो जो भविष्य में उनको जिस रास्ते पर जाना है उसमें सही दिशा मिल सके और अपनी प्रगति के जो पथ पर अग्रसर हो सके। मेरा नाम बी एस डागर है। ऐसा है, हमारे जो चेयरमैन हैं आदरणीय डॉक्टर रघुपति सिंघानिया जी, उनका ये विजन है कि हम कुछ सोसाइटी के लिए दें वापस। उसी कड़ी में आज उन्हीं के जो विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने आज जो करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा है। यहाँ के जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को शिक्षा तो मिलती है पर उनको ये पता नहीं होता कि शिक्षा के बाद करना क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमने इनका क्या क्या कैरियर चुन सकते हैं, 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों का जो कैरियर काउंसलिंग रखा है, इस ड्राइव को हम अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा, बड़ी खुशी होती है कि कम से कम लड़कियाँ भी इस प्रोग्राम का बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। गाँव में एक ये स्कूलों में ऐसा करियर काउंसलिंग का अभी तक पहला ही हमने ये इनिशिएटिव लिया है, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और आगे इस ड्राइव को हम जारी रखेंगे। कम से कम इसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे आज यहाँ करीब 100-150 बच्चे जो उपस्थित हैं, इनमें से यदि 50-60% बच्चे भी हमारे इस करियर काउंसलिंग का फायदा उड़ा के आगे अपने फ्यूचर में बढ़ पाए आगे, तो हमारे लिए इससे अच्छा लक्ष्य की प्राप्ति और कोई नहीं हो सकती। ऐसा है, ये प्रोग्राम हम कोई आज दो दिन का प्रोग्राम नहीं है, इस प्रोग्राम को हम एक साल तक चलाएंगे। इन बच्चों का सभी का रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ये ऑनलाइन भी और ऑफलाइन कॉल करके भी, जो हमारी फैकल्टी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आगाज फाउंडेशन जिनके साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। कभी भी उनके साथ साथ यदि उन्हें कोई कठिनाई होती है तो हमारे यहाँ एचआर टीम है, एचआर टीम और हमारे यूनियन के साथी भी हैं, उनके माध्यम से हमसे अप्रोच कर सकते हैं। ये ड्राइव सक्सेसफुल हो, हम सबका उद्देश्य यही है।